बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 1-2023 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करोगे। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा अग्निपथ वायु CDAC। ये सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी CASP होम CADSC, तो आपको अग्निपथ वायु CADSC.in ओपन कर देना है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन के बाद यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है आपको अनाउंसमेंट का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अनाउंसमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहली अनाउंसमेंट है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल कमेंस फ्रॉम 7 नवंबर टू 23rd नवंबर। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आप न्यू यूजर हो तो आपने पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करना है, उसके बाद आपको फादर नेम फिल करना है, उसके बाद आपको मदर नेम फिल करना है, आपका जो नेम है इसमें एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फिल करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर देना है आप मेल हो या फीमेल, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP सेंड किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी OTP एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल OTP एंटर करना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बताएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द डिटेल्स, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद उसके बाद आपको दिखाएगा कंग्रेचुलेशन योर डिटेल्स हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, तो उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे तो आपका जो यूजर नेम है वो आपकी ईमेल आईडी रहने वाली है और आपका जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है और साथ में जो आपके इस पे ईमेल आईडी पे पासवर्ड आया है वो फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड चूज करना है जो कि 8 डिजिट रहने वाला है, उसमें एक अपर केस और एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको बताएगा सक्सेसफुली पासवर्ड रिसेट, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप फिर से लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और जो आपने नया पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालना है और साइन इन कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी। इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट डिस्क्लेमर कर देना है, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नेम, आपका फादर नेम और आपका मदर नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे आपको अपनी 10th मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट आएगा। उसके बाद आपको बता रहा है आर यू सर्विंग IAF, तो आप अगर हैं तो यस करना है, अगर नहीं हो तो नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक
उसके बाद आपको दिखाएगा पर्सनल डिटेल्स, सेव इट सक्सेसफुली, तो आपको फिर से क्लोज कर देना। ये क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आपने 10+2 इंटरमीडिएट पास किया है इंग्लिश विद विदाउट फिजिक्स मैथ, तो आपको ये सिलेक्ट कर देना। अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है तो आपको वही सिलेक्ट कर देना। जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन अवेलेबल है वो इन 3 में से आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बता रहे हैं हैव यू डिक्लेयर्ड पास इन क्लास 10+2 विद मिनिमम 50% मार्क्स, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि हैव यू डिक्लेयर्ड पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, अगर आप पास हो तो आपको यस कर देना, अगर नहीं हो तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको बता रहा है कि आपके पास कौन सी स्ट्रीम है, तो आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप अप्लाइंग सेलेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। आपका साइंस सब्जेक्ट है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, बोथ साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से पास किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ग्रॉस परसेंटेज सेलेक्ट कर देनी है। जैसे कि आपकी अगर 59.99% है तो आपको यहाँ पे खाली ग्रॉस परसेंटेज सेलेक्ट करनी, यानी 59% सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे ओरिजिनल स्कैन कॉपी 10+2 मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो परसेंटेज ग्रॉस परसेंटेज है वो एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको बता रहा है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो आपको अगर है कंप्यूटर नॉलेज तो यस कर देना, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना, और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद आपको बता रहा है डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर पार्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना है, तो अगर है आपके पास तो आपको यहाँ से वो अपलोड भी कर देनी है। उसके बाद आपको बता रहा है कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस आपका कंप्लीटेड है, परचेसिंग है, अगर कंप्लीटेड है तो आपको यहाँ पे कंप्लीटेड पे टिक कर देना है। कंप्लीटेड पे टिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल सेव इट सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा रहा है आर यू सर्टिफिकेट एनसीसी होल्डर, तो अगर है आपके पास एनसीसी तो आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको बता रहा है कि आप एयरफोर्स में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो कि सिविलियन हो, तो आपको यस कर देना, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको बता रहा है कि आपको डिस्चार्ज किया गया इंडियन आर्मी या नेवी या किसी गवर्नमेंट भी जॉब से, तो अगर डिस्चार्ज किया है वहां से तो आपको यस कर देना, अगर नहीं किया है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना है। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट मार्क जो कि आपके बॉडी पे यानी मोल जो भी होगा वो यहाँ पे आपको ब्लैक मोल मेंशन कर देना है। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर्स में आपको लिखना है यानी सीएम में। उसके बाद आपको अपनी चेस्ट फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेस्ट साइज, उसके बाद आपको यहाँ पे शूज साइज आपका क्या रहेगा 8, 9, 7 जो भी रहेगा। उसके बाद आपको बता रहा है एडिशनल स्किल्स, अगर आप ड्राइविंग करते हो तो यस कर देना, अगर नहीं करते हो तो नो कर देना। उसके बाद आपको बता रहा है कि आपको कोई क्वालिफिकेशन है कैटरिंग में, तो अगर है तो यस करना, अगर नहीं तो नो। उसके बाद आपको बता रहा है डू यू हैव नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर है आपके पास कोई नॉलेज तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आपको बता रहा है कि डू यू हैव नॉलेज इन अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग में आपको कोई नॉलेज है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स बता रहा है, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स इवेंट है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना। नो करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखाएगा एडिशनल डिटेल्स सेव इट सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे फिर से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ से आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के सारा एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। उसके बाद आपको दिखाएगा कम्युनिकेशन डिटेल सेव इट सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा उसका जो साइज है वो 10 KB से लेके 50 KB तक रहने वाला है। उसके बाद आपकी जो सिग्नेचर साइज है वो 10 KB से लेके 50 KB तक रहने वाला है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे वो भी उसका भी साइज जो है वो 10 से 50 KB रहने वाला है। तो तीनों चीजें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट कर देनी है। प्लेस सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी जो सिटी है वो सिलेक्ट करनी है, प्रेफरेंस जो है आपको वो सिलेक्ट करना होगा अपना। तो आपको यहाँ पे जो भी नज़दीक पड़ता है सिटी, तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम सिटी यानी एग्जामिनेशन सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें जो आपको 5 सिटी प्रेफरेंस जो है वो आपको सिलेक्ट करनी। उसके बाद आपको यहाँ पे ASC प्रेफरेंस सिलेक्ट करने हैं जो कि फेज 2 के लिए आएंगे। तो आपको यहाँ पे फिर से अपने जो 7 सिलेक्टेड AS प्रेफरेंस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने। उसके बाद आपको सेव ASC प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। सेव ASC प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा आपके जो प्रेफरेंस है वो अलॉटेड हो गए हैं आपको। तो उसके बाद आपको यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है जो कि आपके टॉप राइट कॉर्नर पे है। तो यहाँ पे आपको होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो सिटी है वो भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है क्योंकि इसके लिए आपके जो पेमेंट है वो रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे अपनी जो पेमेंट है वो कर देनी है। कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करने के आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कि आप मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो। तो आपको वो अपना जो पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट कर देना है। पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी 250 जो पेमेंट है वो कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर।